आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे बहादुर बच्चे के साथ जिसने 17 साल की उम्र में इतने ज्यादा व्हाइट टाइगर व्हाइट लाइन रखे हुए हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शेर भी इनके पास मौजूद है। मुझे तो वैसे ही खौफ आ रहा है और दिल धक धक कर रहा है। पहले भी पसीने छूट रहे थे और अभी तो मुझे लग रहा है ज्यादा बेड़ा गर्क हो गया। ये सबसे जरूरी बात है कि शेर आप पे अटैक करे और आप उस पे अटैक ना करें तो फिर आपकी जान छुड़ाना मुश्किल है। आपको उस टाइम दिमाग से काम लेना है और आपने उसको एक दो रख देनी है। अच्छा। वरना आप फंस गए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल आफ्ताब। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे बहादुर बच्चे के साथ जिसने 17 साल की उम्र में इतने ज़्यादा वाइट टाइगर वाइट लाइन रखे हुए हैं। तो हम उनके फार्म हाउस में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि बचपन में ही आपने इतना बहादुर का शौक़ आप में कहाँ से आया और आपने इतने ज़्यादा शेर इतने ज़्यादा टाइगर कैसे रखे हैं, उन्हें क्या खिलाते पिलाते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं और उनको सबसे ज़्यादा उनकी क्या एक्टिविटी पसंद है। जब से पैदा हुआ तब से शेरों के साथ ही खेल रहा हूँ। तब से शेरों के साथ खेल रहे हैं, क्या बात है। तो क्या खास वजह है, आपकी फैमिली की तरफ से ही वो लोग, मतलब आपकी फैमिली ही शुरू से कर रही है या फिर आप सिर्फ इस शौक में मुब्तला हुए हैं? मेरे पापा पहले करते थे, जू था कराची में, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे फार्म हाउस बना लिया लाहौर में। क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में तो कॉलेज में आपको किस नाम से बुलाया जाता है? ये तो नहीं कहा जाता कि शेर आ गया जी शेर? नहीं नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास कुल मिला के कितने टाइगर हैं, वाइट टाइगर कितने हैं आपके पास? वाइट टाइगर एक है और उसके अलावा हमारे पास रेड टाइगर है, एक टैबी टाइगर और बंगाल टाइगर है हमारे पास। अच्छा, और उसके बाद शेर कितने हैं आपके पास? शेर हमारे पास वाइट लाइंस भी हैं, अफ्रीकन लाइंस भी हैं। और मैंने सुना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शेर भी इनके पास मौजूद है। एक तो पाकिस्तान का सबसे छोटा शेर, क्योंकि उम्र में उसको छोटा कहूँगी, तो एक पाकिस्तान का सबसे छोटा शेर मेरे पास मौजूद है और इनके पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा शेर मौजूद है, तो वो भी है आपके पास? जी। उम्र कितनी है उसकी? वो 7 साल का। 7 साल का। इनकी कुल उम्र कितनी होती है? ये लाइंस की तकरीबन 20-25 ईयर्स होती है। 20-25। तो आपके पास जो सबसे बड़ा शेर है उसकी 7 साल उम्र है, मतलब पूरे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा शेर है। तो इनकी आप मुझे इनके डिफरेंशिएट कर दें कि टाइगर में और लाइन में ऐसा क्या खास वाजिया फ़र्क है कि आप उसको कहते हो कि ये टाइगर है, ये लाइन है, इसकी ये एक्टिविटी है, इसकी ये एक्टिविटी है? लाइन और टाइगर्स में बहुत फ़र्क है। टाइगर जो हैं वो ज़्यादा लविंग होते हैं और लाइन जितने लविंग हैं वो कभी कभार एग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। बहुत जल्दी वो अग्रेसिव हो जाते हैं। तो कभी लाइन ने आप पे हमला कर दिया और आप डर गए हो कि हाँ जी छोटा शेर भी साढ़ा डर गया? लाइन ने किया है। किया है जी। कब किया था? जब तस्वीर खिंचवाने जाते हैं कभी गुस्सा चढ़ जाता है उसको, ज़्यादा तंग कर देते हैं उसको। वो कहता है, जैसे हमें कभी कभी गुस्सा चढ़ता है कि यार तस्वीर क्यों ले रहे हो भाई, बस करो, इसी तरह उसको भी गुस्सा चढ़ गया होगा कि हाँ भाई है कि रोज़ आई अंदर तस्वीर ले लेंदा दोस्तों नाल। तो अभी हम केज में भी जाएंगे और केज में जाके बातचीत भी करेंगे उनसे। तो अभी हम किस केज में जाएंगे? अभी हम टाइगर्स के केज में जाएंगे। टाइगर, उनका नाम क्या है दोनों का? एक का नाम केट है, एक का नाम डियाना है। अच्छा, तो वो लविंग है? जी बहुत लविंग। मुझे किसी ऐसे टाइगर से मिलवाना है जो वाकई ही टाइगर हो और डिसेंट टाइगर हो। जी। खाना कौन ज़्यादा खाता है? शेर ज़्यादा खाता है। शेर? जी। शेर ज़्यादा खाना खाता है। शेर के पास नहीं मैं जाऊँगी क्योंकि वो मुझे खाना समझ के, मोटा ताज़ा समझ के खा ही ना ले। ऐसे काफ़ी इंसान होते हैं जो चैलेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो चैलेंज जिन्होंने किया है, इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े लोगों को और शेर को भी चैलेंज कर दिया। तो अभी हम उस्मान बुलेट के साथ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे शेरों के बारे में और इनकी जो ज़िंदगी जो शेरों जैसी है उसके बारे में। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। शेरों से आपका कैसा ताल्लुक है और आप कब से शेरों के बारे में जानते हैं? क्योंकि शेरों से मैं असल में जैन के जो वालिद साहब थे वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, फोत हो गए हैं वो। तो वो जब जैन छोटा था, 1 साल का था, 2003 की बात है, 4 की बात है, तब से मैं इम्तियाज़ भाई के साथ दोस्ती है मेरी और हम शेरों को यहाँ पे आके खुद देखते थे, कराची से लेके भी आते थे, कई
परचेज किया किसी सिटी से, तो हम उसको ट्रैवल भी करवाते थे, उनको पकड़ के केज में भी डालते थे। मतलब कि आप उनका बचपन से जवानी तक का जो प्रोसीजर है, ज़ैन भी मेरे सामने बड़ा हुआ है और ये शेर भी मेरे सामने ही बड़े हुए हैं। शेर भी सामने। अच्छा, आपको शेरों के बारे में क्या क्या मालूम? शेरों के साथ जी बचपन से ही खेल रहे हैं। मेरी बेटी के पास भी शेर है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो मैं फिर एहतियात करता हूँ, लेडीज है बच्ची है तो फिर मैं उसको फिर छोटा ला देता हूँ, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है फिर छोटा ला देता हूँ। अच्छा, ऐसा कभी हो कि शेर ने आप पे अटैक किया और आपने उस पर कर दिया? हाँ, ऐसा होता है। अगर आप उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, ये सबसे जरूरी बात है कि शेर आप पे अटैक करे और आप उस पर अटैक ना करें, तो फिर आपकी जान छुड़ाना मुश्किल है। आपको उस टाइम दिमाग से काम लेना है और आपने उसको एक दो रख देनी है। अच्छा, वरना आप फंस गए। अभी तो हमने केज में जाना है, तो अगर शेर ने मेरे पे अटैक किया तो मैं एक दो रखूंगी नहीं, मैं तो मैं वहाँ खड़ा रहूंगा, मौजूद रहूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। शेर और टाइगर की एज है वो 20 साल से 25 साल है और वो ब्रीडिंग करता है 90 दिन में। फीमेल जो है 90 दिन में ब्रीडिंग करती है और साल में एक दफा ब्रीडिंग करती है। अच्छा, मैंने ये भी काफी सुना था कि आप काफी शेरों की ब्रीडिंग करवाते हैं यहाँ पे, तो कितने का एक शेर? यहाँ पे जो शेर है वो तकरीबन 5.5 लाख से 6.5 लाख रुपए तक का है कॉमन लाइन। फिर अगर आपने टाइगर लेना है तो वो 12 लाख से 14 लाख का है, और अगर वाइट टाइगर लेना है तो वो 18 लाख से 20 लाख का है, और फिर वो रेयर होते जाएंगे उतनी कीमत बढ़ती जाएगी। हाँ, वाइट लाइन अभी थोड़ा सा नीचे आ गया, वो आपको 8 लाख से 10 लाख का मिल जाता है। टाइगर की बड़ी खासियत बात है कि अगर आप टाइगर के शिकार पे गए हैं तो आप 3 दिन टाइगर को ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं पता कि वो 3 दिन से आपके पीछे है। टाइगर शेरों वाली बातें कर दी है, तो अभी हम ज़ैन के साथ केज में चलते हैं और मिलते हैं शेरों से। अभी हम ज़ैन के साथ उनके शेरों के केज में आ गए हैं, तो ज़ैन से बातचीत करते हैं, क्योंकि ज़ैन ने इनका नाम भी मुझे बता दिया, एक का नाम केट है और एक का नाम डायना है। तो ज़ैन मुझे ये बताएं कि इनकी उम्र कितनी है दोनों की? ये दोनों 4-4 साल के हैं। 4-4 साल के हैं। इसका नाम क्या है और उसका नाम क्या है? ये केट है और वो डायना। अच्छा, आप किस तरह पहचान लेते हो? क्योंकि अगर मैं इनको फर्स्ट टाइम में देखूँ तो मुझे नहीं पता चलेगा कौन सी केट है कौन सी डायना है। इनका पता लग जाता है इजीली। एक ज्यादा बहुत ज्यादा लविंग है और एक थोड़ी सी अग्रेसिव है। कौन सी लविंग है? ये वाली लविंग है। इसीलिए भाई हम लविंग के पास बैठे, क्योंकि मुझे तो वैसे ही खौफ आ रहा है और दिल धक धक कर रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने बताया 4 साल उम्र है, तो आपको इनकी सबसे ज्यादा पसंदीदा एक्टिविटी कौन सी लगती है? मुझे तो इनके साथ खेलना पसंद है। ये पानी में जब बैठते हैं तो बड़ी अच्छा। अगर ज़ैन को देखा जाए तो ज़ैन खुद भी कहते हैं ना बचपन में ही है और एक बच्चे ही है, तो ज़ैन उम्र आपकी कितनी है? मेरी 17 है। 17? ओके, 17 साल की उम्र में ऐसे ऐसे कर रहे हैं और मैं इधर बैठी हूँ, क्या बात है। अच्छा ज़ैन, मुझे ये बताएं कि इनको खाने में क्या पसंद है? ये चिकन खाते हैं। चिकन खाते हैं। तो कभी कोई ऐसा आया हो वक्त जब इन्होंने अग्रेसिव हो के आप पे अटैक करने की? नहीं, कभी भी इन्होंने अटैक नहीं किया। कभी भी अटैक नहीं किया। मतलब किसी अननोन बंदे पर भी अटैक नहीं करते? नहीं, ये खेलते हैं बस। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है कि अगर कोई बंदा बाहर से आए वो करे तो ये उन पर हमला करती है या अग्रेसिव होती है? अगर इनके आगे भागे तो फिर ये पीछे भागते हैं। ये तो अपनी तरफ से खेलेंगे, फिर अगला बंदा जब डरेगा तो ये उसका काम तमाम करेगा। हाँ जी, नहीं काम तो तमाम नहीं करेंगे, मतलब ये तो नहीं करेगी पर अगले का तो हो जाएगा। हाँ जी, अगला तो डर। चले, मेरा इतना ही हौसला था, अब कहीं और चलते हैं और बातचीत और करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह ये तो खेल ही जा रहे हैं और वो मुड़ मुड़ के देख रही है कि तुम जा नहीं रही, तो जाने की कोशिश करते हैं। चले, नाजरीन आप मेरे हालात देख रहे हैं, मैं अभी केज से वापस आई हूँ और यकीन मानने के दिल मेरा ऐसे दक दक कर रहा था जैसे पता नहीं क्या हो रहा। तो ज़ैन बिल्कुल इजी उसके साथ बैठे हुए हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, मज़े की इसको वाइब आ रही है। पढ़ाई आप कर रहे हो, आपने कहा कि मैं फ़र्स्ट ईयर में हूँ, तो आप मुझे ये बताओ कि पढ़ाई में टाइम इतना कैसे मिल जाता है कि इनको भी आप टाइम दे पाओ? इसको मैं जब फ्री हो जाता हूँ कॉलेज से तो फिर मैं फॉर्म पर आ जाता हूँ। मतलब रोज़ आते हैं? रोज़ आता हूँ मैं। डेली रूटीन आपकी रोज़ आना? जी। अच्छा, उन्हें खाने में क्या पसंद है? चिकन। जी, तो आपको क्या पसंद है? चिकन। देखिए आते सेम है और मुझे लग रहा है कि वाकई मूडी हैं, जिस तरह वो सुकून सुकून से कभी अग्रेसिव हो जाते हैं कभी लविंग हो जाते हैं, इस तरह ये भी कभी कभी कहते हैं चलो बस करो हुन, कभी कभी शुरू। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में और भी काफ़ी लोगों ने शेर रखे हुए हैं, तरह तरह के हैं, आपके शेरों में क्या स्पेशल बात है जो दूसरों के शेरों में बात नहीं है, या आपने कहाँ कहाँ से इसको इंपोर्ट किया हुआ? ये पापा ने इंपोर्ट किए थे, साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किए थे और भी काफ़ी जगह जिधर से इंपोर्ट पापा ने करवाए एनिमल्स, और
टाइगर तो हमारे छोटे होते से हैं, कब्स पाले हमने। अच्छा, बिल्कुल, मतलब आपने उनको बड़ा किया इसीलिए आपके साथ उनका जो उनके आपके साथ जो ताल्लुक आता है वो काफ़ी लविंग है। जैसे कि आपने देखा कि हमने जैन से काफ़ी बातें की, लेकिन जैन थोड़े से कहते हैं ना वो भी मूडी थे, उन्होंने कम कम बात की, लेकिन हमने कोशिश की कि हम काफ़ी कुछ जान सकें शेरों के बारे में, जैन के बारे में और जैन के इस फार्म हाउस के बारे में। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए उर्दू पॉइंट को देखना मत भूलें, अपनी मेज़बान कवल आफ्ताब को देखना मत भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए लोगों के साथ, नई जगह पर। खुदा हाफिज़।